नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24 में आपके साथ कुसुम मिश्रा। ये बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर फरीदाबाद से, जहां एक ओर हरियाणा में चुनावी प्रचार प्रसार चरम सीमा पर है, वहीं फरीदाबाद पुलिस भी चुनाव के दौरान मुस्तैद दिखाई दे रही है। फरीदाबाद पुलिस ने शहर में अलग अलग इलाकों में लगभग सैकड़ों की संख्या में नाके लगाए हुए हैं, जिसमें पुलिस हर संदिग्ध गाड़ी की जांच पड़ताल कर उसे चेक कर रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के सराय ख्वाजा टोल के पास चेकिंग के दौरान सराय पुलिस ने 2 अलग अलग गाड़ियों से 2,70,00,000 रुपए की नकदी बरामद की। विधानसभा इलेक्शन चले हुए हैं, जिस दौरान हमारे जो इंटर स्टेट नाका है, हमारा जो सराय टोल पे लगाया हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ टीम है, हमारे थाने की पुलिस फोर्स है, जो आज करीब 1 बजे के आसपास एक गाड़ी को चेक किया गया, जिसमें अमित अरोड़ा नाम का लड़का था, जिसकी गाड़ी चेक की गई, जिसमें 20,00,000 रुपये कैश मिला। जिससे पूछताछ की तो उसने बताया, जी मैंने अपना मकान बेचा है, मैं वो लेके आया हूँ। इसकी कन्फर्मेशन नहीं है, हमने जो है सूचना इनकम टैक्स को दी, इनकम टैक्स अधिकारी मौके पर आ गए थे। इसी दौरान हमने एक गाड़ी और चेक की, जो भी जो यूपी नंबर थी, जिसमें सचिन चालक है और उसके साथ था आसिफ नाम का लड़का, ये कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी बता रहे हैं अपनी नोएडा में, अशरीफा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें गाड़ी हमने चेक की तो इस गाड़ी में 2.5 करोड़ के आसपास ये पैसे बता रहे थे।